हाय गाइस, अर्जुन हेयर। क्या हाल चाल सभी का? बढ़िया हो? आज की वीडियो बॉडी बिल्डिंग से हटके है। इट्स अबाउट SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, डिफेंस की जो इंटरव्यूज होती हैं उसके बारे में है। मेरे को कई लोग मैसेज करते रहते हैं कि भाई आपने पहली बार में क्लियर कर लिया था, लाइक आई डिड इट विदाउट कोचिंग, प्लीज टिप्स तो हमें बताओ, वी वॉन्ट टू क्रैक। तो मेरे को लगता है कि हर किसी को इंडिविजुअली बताने से अच्छा है लेट्स मेक अ वीडियो, सभी लोग सीखें। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, प्लीज़ नीचे जाइए एंड वहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ मेल इन योर इनबॉक्स नोटिफाइंग यू ऑफ द वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड। तो प्लीज़ आप लोग भी अपडेट रहेंगे। विदाउट फर्दर एडू, SSB इंटरव्यू का प्रोसीजर आप लोगों को मोस्टली सभी को पता ही होगा। दे चेक यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंटल कैपेबिलिटी, योर साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल, आपकी कमांडिंग एबिलिटी और आपकी ऑर्डर फॉलो करने का एबिलिटी। इन सभी चीज़ों को जज करके वो सिलेक्ट करते हैं बंदे को कि हाँ, इज ही वर्दी ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर और नॉट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरव्यू देने जाना है, जो मेरी सजेशन है, प्लीज़ प्लीज़ कोचिंग ना लेकर जाओ। वहाँ जितने कोचिंग वाले बच्चे आए थे सारे बाहर हुए थे, क्योंकि कोचिंग में आप लोगों को वो ओवर स्मार्ट बना देते हैं। बंदे को लगता है कि मेरे को पता नहीं क्या पता लग गया है जो मैंने क्रैक कर ही लेनी है, एंड दैट डजेंट टर्न आउट इन योर फेवर, इट हैम्पर्स योर प्रोग्रेस। वहाँ पे जाके पता लग जाता है कौन सा बच्चा ट्रेनिंग लेकर आया, जो एकदम से यस सर, नो सर, हाँ जी सर करते हैं, पता लग जाता है। सो बी जेन्युइन, क्लियर कट होके जाओ कि मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन द फोर्सेज। ये आपके दिमाग में पक्का इस चीज़ का जवाब होना चाहिए, क्योंकि दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। वहाँ जाते हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करके जाओ। सेकेंड थिंग, लुक प्रेजेंटेबल, ज़्यादा शैबी नहीं, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं, बाल बूल खड़े करके नहीं जाना, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा के नहीं जाना। मेरी भी बड़ी हुई है, डोंट लुक एट दिस कि मैं टर्बन बांधता हूँ, वैसे वहाँ टर्बन बांध के गया था। डोंट वियर दीज थिंग्स, ब्रेसलेट्स, धागे हो गए, ये चेन होगी, स्टड हो गया, ऐसी कोई चीज़ डाल के नहीं जाना, मेक्स यू लुक अनप्रोफेशनल। उन लोगों को थोड़े पॉलिश बंदे चाहिए होते हैं। उतार के घर जाओ, इंटरव्यू दे के चाहे तो फिर आके पहन लेना। वहाँ जाते हो, बी अप्रोचेबल टू एवरीवन, लोगों से घुलो मिलो, बातें करो। ऑलवेज रिमेंबर, आप लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है हमेशा। लाइक इन माई केस, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो मेरे को उन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो आप इतना पानी पीते हो। जो कर रहे हो पर्पसली करो, उसका आपके पास जवाब होना चाहिए वैलिड, तो आप उसको इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। एप्टीट्यूड, दैट इज ऑन यू। उसके बाद जो टेस्टिंग होती है वो सारी आपके स्किल सेट के ऊपर होती है, उसकी पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं, उसके आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से लेना देना है। सी, आपका जो होएगा ग्रुप टास्क होएगा या कमांड टास्क होएगा, ज़्यादा उछल उछल के जवाब नहीं देने बीच में कि ऐसे करो वैसे करो। लिसन टू अदर्स, गाइड अदर्स, कॉमन सोल्यूशन निकालो, उसको फॉलो करो टू क्रैक द ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे कोई ऐसे आपको मेडल नहीं मिल जाएगा, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आप कंप्लीट करो टास्क, क्योंकि हमारे ग्रुप ने टास्क कंप्लीट भी नहीं किए थे, बट स्टिल थ्री ऑफ द गाइज फ्रॉम अवर ग्रुप गॉट सेलेक्टेड। सो आइडियाज क्लियर होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, लोगों की समझ में लगनी चाहिए। वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में बात करो, बेस्ट इंग्लिश में बात करो, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री बच्चे आए होते हैं, किसी को हिंदी नहीं आती होगी, किसी को पंजाबी नहीं आती होगी। सो स्पीक इन इंग्लिश क्लियरली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड देन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स। फिर जब आपके एडवाइजेबल टास्क आते हैं, जैसे आपका आ गया है टास्क प्लानिंग होती है, समथिंग लाइक दैट, मेरे को भूल गया क्या होता है वो, उसमें आपको बोर्ड सा देंगे, मतलब मैप सा समझा देंगे, यहाँ पे ऐसे हुआ वैसे हुआ, आपको वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट रोकना है, वहाँ बंदों को आपने बात करते सुनी। सो स्ट्रेटेजिकली सोचो, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाना, खुद सोचो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, पॉसिबल क्या हो सकता है, कोलैटरल डैमेज कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहले ये बड़ी चीज़ ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को कैसे फैन आउट करना है, उस चीज़ के ऊपर आप आंसर दो, यू मेक थ्रू। फिर जब आपकी ग्रुप डिस्कशन होती हैं, प्लीज़ प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, वहाँ जो चीज़ कह रहे हो वो एक्चुअल में आप उसमें विश्वास रखते हो, बिलीव करते हो। ऐसे ही वहाँ पे अपनी टौर बनाने के लिए कि मैं जी बड़ा सच्चा हूँ या बड़ा हाई वैल्यूज़ का बंदा हूँ, कोई ऐसी बातें मत कह देना जो आपको आगे जाके पंगे में डाल दें, फंसा दें। बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू कोरिलेट वॉट यू सेड इन द डिस्कशन विद योर इंडिविजुअल इंटरव्यूज। मेरे साथ हुआ था, मेरे को ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग पर पूछा था कि आपके हिसाब से कोई जो ड्रिंक या स्मोक करता है, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? तो मैंने कहा था, मैं कहा डजन क्वालिफाई ए पर्सन टू बी गुड और बैड, देयर एक्शंस डू। और मेरे को अलग से इंटरव्यू में उसने ये बात पूछी थी कि आपके फैमिली में कोई ड्रिंक करता है, मैंने कहा नहीं करता कोई। तो उन्होंने पूछा था, अच्छा मतलब आपके घर वाले तो इस चीज़ को लाइक नहीं करते होंगे। मैंने फिर उसको कहा था, मैं कहा इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट थिंग, हमारी पर्सनल प्रेफरेंस हम नहीं करते, लोग करते हैं, तो उससे कोई बंदा खराब या सही नहीं हो जाता। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना,
अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत कर देना कहीं पे भी, वो करोगे तो पता लग जाएगा बंदा कोचिंग लेके आया हुआ है। फिर जो आपका ग्रुप टास्क होता है, ओ सॉरी ग्रुप टास्क नहीं, ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें ध्यान रखना कीप योर वॉइस लाउड बट क्लियर, चीखना नहीं है, भारी आवाज में बोलो, आइडिया प्रेजेंटेबल हो। जो स्टोरी बनाओगे आप लोग, आपको पता होगा वहाँ पे पिक्चर आती है उसके ऊपर स्टोरी बनानी होती है, प्लीज उसमें कोई इश्क मोहब्बत इसकी बात मत करना, कोई सुसाइड वगैरह की बात मत करना, कोई मारने में लड़ाई की बात मत करना, और कोई देशभक्ति की बात मत करना प्लीज गाइस। वहाँ पे 90% बच्चे कोई अपना भाई कारगिल जा रहा था तो मिलने आया था, या कजन अपना वहां से आया था, या रमेश गया था वॉर पे मेडल जीत के आया था, प्लीज ऐसी गप्पे मत मारना, उन लोगों को पता लग जाता बंदा कोचिंग लेके आया। जेन्युइन सा जवाब दो, ना पॉजिटिव हो ज्यादा ना नेगेटिव हो, इट शुड बी न्यूट्रल। कोई भी आपके रियल लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेट करके पिक्चर को आप लिख दो, तो उसमें आपको बेनिफिट भी होता है, कल को आपको पूछते हैं अगर इंटरव्यू के टाइम आपने उसमें क्यों जवाब दिया था, लाइक दे आस्क मी, मेरी दो PIs हुई थी, वैसे नॉर्मली एक होती है, तो दे आस्क मी द क्वेश्चंस कि मैंने उनको क्यों इस तरीके से रिप्लाई किया था। सो बी जेन्युइन, अपने से ज्यादा टेढ़े मेढ़े या बड़ा चढ़ा के देशभक्ति वाले जवाब मत देना। कोई पूछता क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, प्लीज मैं देशभक्ति करना चाहता हूँ, या देशभक्त हूँ बड़ा, या आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, आई वॉन्ट टू डाई फॉर माई कंट्री, ऐसी बुलशिट मत बोलना, घिसे पिटे डायलॉग है, सुन सुन के सारे पक चुके हैं। सो बी जेन्युइन, क्यों आना चाहते हो, थोड़ा अगलों को क्लियर कट आइडिया दो कि हाँ मेरे को क्यों मोटिवेशन आती है, वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन, सिर्फ ये नहीं कहना आई वॉन्ट टू ज्वाइन, आई वॉन्ट टू सर्व, वाई वाई, तुम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या स्किल सेट है जो फोर्सेज उस चीज को यूज करके बेनिफिट कर सकती है फॉर द कंट्री एंड फॉर देमसेल्व्स, तो वो चीज जरूर बताना। प्लस जो आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है उसमें प्लीज यही चीज जो मैंने कही है, नेगेटिविटी मत डालना, ज्यादा पॉजिटिविटी मत डालना, ज्यादा पेट्रियोटिज्म मत डालना, न्यूट्रल चलो एंड हैव क्लियर कट आंसर्स कि आपने कोई चीज डिपिक्ट कर रही है फोटो देख के उसमें क्या आपको लग रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बनाना, जल्दी बनाना, टाइम नहीं खराब करना वहां पे, एंड इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड नॉट बी वेरी हाई फाई कि हाँ अभी बंदा देख के क्या बात है क्या लिखा है, उनको राइटर्स नहीं चाहिए, उनको आपकी इमेजिनेशन चेक करनी है। सो बी स्पॉन्टेनियस, जो चीज आपकी लिखी चलो, क्योंकि बाद में अगर आपको पूछे तो आपके जवाब होना चाहिए। देन आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है जो SRT, कि वहां पे ऐसा हो रहा था वहां गए तो आपने क्या किया, उसमें भी कोई ज्यादा ऊटपटांग जवाब मत देना, बी वेरी जेन्युइन, सही से जवाब दो जो आपको लगता है कि बंदा नेचुरली वहां पे करेगा उस पोजीशन में। अपने को हीरो नहीं कहीं पर शो करना कि 10 बंदे वो किसी को मार रहे थे तो मैं भी बीच में कूद पड़ा, मैंने 10ों को खेलने पीट दिया, नो दैट्स नॉट द राइट आंसर, यू इंटरवीन बट यू इंटरवीन विद योर ब्रेन नॉट योर हैंड्स। ऑफिसर की उन्होंने यही कैपेबिलिटी देखनी होती है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो या हाथ पैर इस्तेमाल कर रहे हो। एक कमांड टास्क में भी ये चीज यूज होती है, लाइक आई एम फिजिकली फिटर देन द नॉर्मल कैंडिडेट्स ओवर देयर, मेरे को पता था एंड दे ऑल्सो न्यू दैट थिंग, पर मेरे को कमांड टास्क में मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कहीं यूज नहीं करने देते, हर चीज में यही कह रहे थे दिमाग से करो दिमाग से करो। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तरीके से आपको क्लियर करना होता है, ही मेड मी डू इट थ्राइस, तीनों रस्तों से करवाया था उसने विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स, कहता कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ ना हो, यूर इंजर्ड समथिंग लाइक दैट, फिर कैसे करोगे। सो उस परस्पेक्टिव से चलो, बी वेरी क्लियर, गप्पे नहीं मारनी, ज्यादा सल्यूट सलाट नहीं मारने वहां में जाके, जेन्युइन रहो और अपना फिजिकल के ऊपर वर्क कर लो, यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्शनली गुड। लोगों को आपने सुना ना 10 ऑब्स्टिकल कोर्स होते हैं, 14 कर लिए 15 कर लिए, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर क्वालिफिकेशन ओवर देयर, कि आप वहां पे उनके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को मीट करेंगे नहीं, उनको जस्ट एक बेसिक देखना होता है कि बंदा भाग दौड़ कर सकता अपना भार संभाल सकता है नहीं, लाइक आई डिड 8, मैंने 2 नहीं किए थे, स्टिल आई गॉट थ्रू, मेरे सारे लड़का था उसने 7 किए थे, ई गॉट थ्रू, एक लड़का था उसने 13 किए थे, वो नहीं हुआ सिलेक्ट, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू प्रेजेंट डेट, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, फ्रेंड्स कैसे थे, टीचर कौन से पसंद थे, आपके गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स, हॉबीज क्या हैं, पास्ट टाइम आपका क्या निकला था, आपने क्या पढ़ाई अपना प्रोफेशनली परस्यू की, अभी जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डोंट ब्लफ, मेरे साथ कई लड़के ऐसे जॉब नहीं करते थे, झूठ बोलते थे कि जॉब कर रहे हैं, ऐसे पकड़ हो जाता है, उन लोगों को वहां पे बैठे इतने साल हो गए हैं, कोई जेन्युइनली बंदा वर्क कर रहा हो अगर आपसे 2-3 सवाल पूछेगा तो ही कैन मेक एन आइडिया कि आपने जॉब की भी है कि नहीं। सो डोंट लाए, जो किया है सच्ची सच्ची बताओ उनको, वो आपको जज नहीं करने बैठे हैं, सिर्फ आपको चेक करने बैठे हैं, दे नीड यू टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट फर्स्ट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह आपकी अलग से करा लेंगे, पर अगर बंदा है ही स्टार्टिंग में झूठा है, वो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें निकाल के बाहर फेंक देना है, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है SSB में, एंड दे आर नॉट ऑब्लाइज टू सिलेक्ट एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एवरी ईयर, मतलब अगर 400 बच्चा भी देने आया उनको कोई ऐसी कंपल्शन नहीं कि उनको इसका 10% या 5% सिलेक्ट करना ही है, पूरे पूरे बैच उड़ा देते हैं वो, इनको कोई जवाबदारी नहीं इस चीज़ की, दे हैव द राइट टू डू दैट थिंग, एंड होता है कई बार होता है। सो इस चीज़ के ऊपर मत जाना कि थोड़े बच्चे सिलेक्ट करने हो ही जाएंगे, अपने लाइफ में जो आपने किया है क्लियरली उसको बताई चलना, वहीं पर सोचना, पहले से तैयारी करके मत जाना,
नहीं तो आप लोग फकअप कर दोगे, गलत बोल दोगे सीरीज में या कोई चीज स्किप कर दोगे, दैट डजन लुक गुड। फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगा, गर्लफ्रेंड रही है या बॉयफ्रेंड रहा है, पेरेंट्स की क्या अपनी बॉन्डिंग है आपके साथ, जनरली जो जो हुआ है जो आपको लगता है जायज है बता देना। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत डिटेल पूछते हैं, क्या किया, कहाँ मिले थे, पेरेंट्स को पता था कि नहीं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, दे डोंट आस्क सच काइंड ऑफ बुलशिट, उनको उससे कुछ लेना था। जनरली बताओ थी, हाँ थी, कितनी देर रही है, इतनी देर रही है, ब्रेकअप हो गया था, ऐसे ऐसे, सो एंड सो, बस दैट्स इट। उनको आगे आपकी लव लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। प्रोफेशनली इफ यू गोइंग इन अ टेक्निकल ब्रांच, दे विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चन, सो यू शुड नो योर स्ट्रीम वेरी वेल। ये बात जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे कई बच्चे आए, देवर एरोनॉटिकल इंजीनियर, दे डिड नॉट इवन नो हाउ एन एयरक्राफ्ट टेक्स फ्लाइट, तो दैट इज अ रियली बैड थिंग। आपको बेसिक, जैसे आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई नो स्टफ ऑफ माई फील्ड, बट यू शुड नो समथिंग ऑफ द अदर फील्ड ऑल्सो, क्योंकि उनको एक चाहिए बंदा जो ऑलराउंडर टाइप हो। सो ये चीज़ जरूरी होनी चाहिए। बुक रीडिंग या न्यूज़ पेपर रीडिंग अगर तो करते हो तो ही बोलना, गप मत मारना, क्योंकि वहाँ जो बंदे बैठे हैं बूढ़े बंदे हैं, उनको वैसे पास टाइम उनका फेवरेट बूढ़े बंदों का ये होता है किताबें पढ़ना, तो उसने आपको उस चीज़ में ऐसा घुसा के फंसाना है ना, आप निकल नहीं पाओगे। इफ़ यू रीड वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट जस्ट से आई डोंट रीड, बट दैट शोज अ नेगेटिव थिंग। सो कोशिश करो आप लोग अपने आप को अपडेटेड रखो। लाइक ही आस्क्ड मी, आई डोंट रीड न्यूज़ पेपर्स, आई डोंट रीड नॉवल्स, ही टोल्ड मी व्हाट डू यू रीड देन, आई सेड आई रीड ब्लॉग्स, आई रीड न्यूज़ ऑन द इंटरनेट, ही टोल्ड मी दैट कि किताब पढ़ना जरूरी है, अच्छी बात नहीं। मैंने कहा द आइडिया इज टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, एंड ही वॉज कन्विंस। उसने कहा तीन चार मेरे को करंट अफेयर सुनाओ, सुनाए मैंने, उसने थोड़ा बहुत डिटेल मांगी, मैंने बता दी, दैट्स इट, ही मूव्ड ऑन। स्पोर्ट्स में अगर आपने कुछ किया है गाइस, जरूर इस चीज़ को मेंशन करना, दैट इज़ अ रियली बिग प्लस पॉइंट ओवर देयर, क्योंकि उनको शो होता है कि बंदे में एथलेटिसिज्म है, स्पोर्ट्समैनशिप है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो किया, भंगड़ा किया आपने, सिंगिंग की है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, टेल देम ईच एंड एवरी थिंग, हर एक चीज़ बतानी है आपने, आपका बेनिफिट होगा उसमें। झूठ नहीं मारना, गप्पे नहीं मारनी, क्योंकि वो कुम्हारा से घुमा घुमा के उस बात को आपको किसी और जगह पे पूछ लेंगे या दोबारा आपको बुला के पूछ लेंगे। लाइक हैपन टू मी, मेरे आंसर्स बहुत डिफरेंट लगे थे उनको, तो उन्होंने मेरे को बुला के पूछा था कि आपने इसका ये आंसर क्यों लिखा है, क्यों लिखा है। मैंने SR-71 ब्लैकबर्ड प्लेन है उसका मेंशन कर दिया था। ही आस्क्ड मी, आपको इसका प्लेन का कैसे पता। मैंने कहा मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है। पूछा कब बना है, मैंने बताया कब बना है, कौन उड़ाता है, मैंने बताया कौन उड़ाता है, अब क्यों नहीं उड़ाता है वो बताया, स्पीड बताई उसकी, उसके वेपन्स बताए, तो यू शुड नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो डोंट ब्लफ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, दैट इज माई फेवरेट पास्ट टाइम, देन आई डू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, दैट इज द ट्रूथ। मुझे नॉलेज है चीज़ों की, अगर मैं चार पांच चीज़ें उसको अपने इंटरव्यूअर को मैंशन करूंगा कि सर मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता है, तो मेरे को उनके बारे में पता होगा, ऐसे हवा में नहीं कह रहा। सो अपनी हॉबी बनाओ, थोड़ा बहुत आपको अपनी पढ़ाई से हटके भी पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उनको इससे शो होता है कि बंदा अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, एक ही चीज़ में घुसा नहीं रहता, दे वॉन्ट एन ऑलराउंडर। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, आई एम श्योर आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्फ्रेंस आ रही है इट्स ऑल ओवर। बेसिक से सवाल पूछेंगे, कैसा स्टे रहा, कोई कंप्लेंट रही कि नहीं, एंड डोंट डोंट शाय अवे फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट यू वांट टू। लोग कहते हैं ना अपना कॉन्फ्रेंस में सिर नीचे करके, हाँ जी सर, यस सर, ओके सर करके निकलो, नो। लाइक हमारे टाइम में मेस का फूड अच्छा नहीं था, ही आस्क्ड मी एनी कंप्लेंट, आई मेंशन, मैं कहा ऐसी बात हुई थी, दे आस्क्ड डिटेल की क्या हुआ था, मैंने बता दिया, मैं कहा सर दे वर डूइंग एन एक्शन लाइक दिस, कि नहीं है नहीं है, जाओ, दैट्स वेरी रूड, एंड दे टुक एक्शन नेक्स्ट, उसी नाइट पे हुआ था सच, नॉट नेक्स्ट डे, जो हमारा आई थिंक सो ही वॉज अ कैप्टन इन द नेवी, वो आर्मी के कर्नल के बराबर होता है, दैट गाय केम इन द मेस इन द इवनिंग, जो इस बंदर में सब मिसबिहेव किया था उसकी क्लास ली थी उसने। सो ऑफिसर अगर बनने जाना है तो ऑफिसर जैसे ट्रेड्स लेकर जाओ, यू शुड नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, डोंट ब्लफ, डोंट बी टू ओवरली अग्रेसिव, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, बट फिजिकली मेंटली स्टेबल होना चाहिए, किसी की बात सुननी और किसी को अपनी बात कन्वे करनी आनी चाहिए। आई एम श्योर आप लोग इंटरव्यू जरूर क्रैक कर लेंगे। हिट मी अप इफ यू नीड एनी मोर डिटेल्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, सी यू सून, सत श्री अकाल।